subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, now our next question is question number 16. In the formation of compound between two atoms A and B, A loses two electrons and B gains one electron. What is the nature of bond between A and B? कोई दो एटम है हमारे A और B, जिसमें से A एटम ने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है और B ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब आपको ये बताना है कि A और B में कौन सा बॉन्ड बना है। जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। सो द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी विल बी आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट इज सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। आपको फॉर्मूला बताना है उनके कंपाउंड में क्या बनेगा। ए ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, टू पॉजिटिव। बी ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इट विल बी वन नेगेटिव। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही निकालते हैं हम फॉर्मूला, तो क्या आएगा फॉर्मूला, ए बी टू। सो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन ए एंड बी इज ए बी टू। ऑन सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मॉलिक्यूल। आपको फॉर्मेशन बतानी है मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की। एज वी नो Mg loses two electrons and became Mg2 positive. Cl gains one electron and becomes Cl negative. When these two ions combine, they will form MgCl2. मैग्नीशियम हमारा टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, क्लोरीन हमारा वन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी MgCl। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द मोल्टन स्टेट, व्हाई। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट क्या है हमारा, NaCl, वो सिर्फ तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब वो मोल्टन स्टेट में होता है। ऐसा क्यों होता है? कॉमन सॉल्ट इज सॉलिड स्टेट। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। द एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर आयनिक बॉन्ड। जो हमारे एटम्स है वो किस बॉन्ड से कनेक्टेड है, आयनिक बॉन्ड से। सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब वो सॉलिड स्टेट में है, वो आयनिक बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयन्स है वो अवेलेबल ही नहीं है। जब वो अवेलेबल नहीं है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, बट इन मोल्टन स्टेट। लेकिन जब आपने उसे डिसॉल्व कर दिया या उसे मेल्ट कर दिया, एटम्स आर प्रेजेंट इन फ्री आयनिक स्टेट, दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब वो मोल्टन स्टेट में आ गए, अब वो आयनिक फॉर्म में आ गए, आयन की फॉर्म में है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब भी मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सो जब हमारा NaCl मोल्टन स्टेट में आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट इज व्हाई इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हाई। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? सोडियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है, आयनिक सॉल्ट है। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शंस। आयनिक सॉल्ट है तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शंस होंगी, और ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शंस होती हैं बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। It takes a lot of energy to overcome these interactions and therefore sodium chloride has a very high melting and boiling point. बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इन दोनों के बीच के इंट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, इसलिए सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। सोडियम क्लोराइड का कोई भी अगर आपका आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई इसी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस है, उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी।